हाय एवरीवन आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अपना जीवन का बहुत सारा समय नेटवर्क मार्केटिंग में दिया यानी कि नेटवर्क की क्या पावर होती है वो सागर सिन्हा सर से ही हम पूरा डिटेल में जान चुके हैं इतने टाइम से आज और जो डिटेल बातें हैं जो आपके सवाल रहते हैं तो मैंने कई चीज़ें इंटरनेट से निकाली के बाद इनसे पूछा जाए कि वो चीज़ें कैसे फिल की जाती है जैसे अगर कोई मुझसे सर पूछे हाई सर सबसे पहले तो वेलकम आपका हमारे चैनल पर और Uh, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना समय दिया सर हमारे प्लेटफॉर्म को तो आज हम आपसे बस दो तीन चीज़ें मेन जानेंगे कि सर जो नेटवर्क की जो पावर होती है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और इस्तेमाल तो तब करेंगे जब बनानी पड़ती है तो सबसे पहले उसे बनाया कैसे जाए तो सर वेलकम महात्मा जी टेक्निकल चैनल वेरी मच थैंक यू वेरी मच सो सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूँ उससे पहले सबसे पहले अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें टेंटेटिव कि वो क्या लेके जाएंगे यहाँ से अगर आप अपने स्टाइल में तो कुछ कह सकते हैं सर अपने व्यूअर्स को आई डोंट नो अभी किस तरह के सवाल मेरे पास <laughs> आने वाले हैं अब जिस तरह के सवाल आएंगे उस तरह की चीज़ आपको मिलने वाली है सो लेट्स सी ओके सो सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो मैं आपके चैनल्स को देख पाया यूट्यूब पे तो ऑल द गोइंग ऑन मुझे दिखा कि नेटवर्क कैसे बनाया जाए इस चीज की पावर को आप सिखा रहे हैं लोगों को कि अगर hmm. आपके अंदर एक नेटवर्किंग बनाने की चाह है, उसमें कुछ know, में पूछ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के टर्म्स में राइट बट नेटवर्क हर जगह जरूरी है hmm. आप भी आपके पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स है तो है अब हम और आप मिल रहे हैं तो अ नेटवर्क कॉमन नेटवर्क हम इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं सब्सक्राइबर से मिल रहे हैं अब मेरी जहाँ तक बात है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशंस में रहा हूँ तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क का फ़ायदा ये होता है कि आप अकेले अगर किसी काम को दस घंटे दे सकते हो और आपके पास सौ लोग हैं तो सौ इन कर लो मतलब आप काम दस ही घंटे कर रहे हो लेकिन आउटपुट आपको सौ घंटे हज़ार घंटे लाख घंटे शायद करोड़ घंटे का आपको मिलने लग जाता है ये नेटवर्क की पावर होती है जैसे कोई भी कंपनी का मालिक हो आप अभी आपके पास थर्टी सेवन एम्प्लॉयज हैं यहां पर तो थर्टी सेवन अगर दस घंटे काम कर रहे हैं तो थर्टी सेवन इंट दस तीन सौ सत्तर घंटे का आप आउटपुट दस घंटे काम करके दे कर रहे, रहे हैं ये नेटवर्क की पावर है सो so, मतलब अल्टीमेटली अगर आपको टाइम को मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको जो है वो नेटवर्क बनाने पड़ेक्टली टाइम exactly. कंपाउंडिंग नेटवर्क के बिना हो नहीं सकता। राइट right. तो ये मेन चीज है कि अगर आपको बहुत क्योंकि हम सबके पास टाइम लिमिटेड है हाँ। हम इसमें एक्सपैंड नहीं कर सकते हाँ। तो कहीं ना कहीं हम टीम बिल्ड कर सकते exactly. तो चीज समझ आ गई अब सर एक दूसरा सवाल ये की एक नया फ्रेशर क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके ही नेटवर्क बनाया जा सकता है या फिर यही एक प्रोफेशन है जिससे नेटवर्क बना के बिजनेस किया जा सकता है या फिर कुछ और भी वो सोच सकता है बट मैं चाहूंगा आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही मुझे बताएं ज़्यादा क्योंकि और सब चीज़ों में क्या पता उसका दिमाग चल रहा हो क्योंकि आप जब बैठे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि सर मुझे उसी के बारे में बताएं इसमें और डेफ्थ में कैसे जाया जाता है बट मैं चाहता हूँ दोनों में आप एक तो इसका भी आंसर दें और दूसरा आंसर ये भी देखिए हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क कैसे बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने के लिए सीधी सी बात है कि नेटवर्क शुरुआत होती है आपके खुद से मतलब मेरा अगर हजार लोगों का नेटवर्क है लाख लोगों का नेटवर्क है वो नेटवर्क मेरे से शुरुआत होती है और नेटवर्क आपसे के साथ कनेक्ट तब होता है कि व्हेन यू हैव समथिंग टू तो गिव नेटवर्क आप उन लोगों को कुछ दे सकते हो तभी लोग आपसे कनेक्ट होते हैं सो सबसे पहली चीज जो शुरुआत होती है नेटवर्क बनाने के लिए आपके अंदर गुणवत्ता कितनी भरी पड़ी है आपकी स्पीकिंग कितनी अच्छी है आपका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है लोगों को आप कितना अच्छा डिलीवर कर सकते हो आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो आप अच्छा कितना अच्छा क्लोज कर सकते हो ये सारी चीजें स्किल अगर आपके पास अच्छी है तो लोग जुड़ते ही चले जाते हैं लोगों की कमी नहीं है बट ये सब तभी होगा वंस वंस यू हैव स्किल अगर आपके पास स्किल नहीं है तो नेटवर्क हजार छोड़ो शायद सौ का भी नहीं बनेगा तो okay. सबसे पहली चीज सेल्फ डेवलपमेंट से शुरू होती है राइट तो सर आपका एक यूट्यूब चैनल है उस उसपे छह लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं अभी और वो सभी मैंने जो वीडियोस आपकी देखी हैं वो कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग है ना नेटवर्कस की बिल्डिंग इन चीज़ों पे है धंधा कैसे बढ़ाएं बिजनेस के ऊपर आपकी वीडियोस काफ़ी वायरल है अब मैं जानना चाहता हूँ सर आप पहले ऑफलाइन में होंगे राइट सडनली right? आपने एक ऑपर्चुनिटी देखी यार यूट्यूब एक ऑपॉर्चुनिटी है मुझे इसे भी ग्रैप करना चाहिए क्योंकि एज 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 अ अ नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हमें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे जरूर जाते हैं राइट right? हमें हमेशा रिलेशनशिप बनाने में मैंने जो देखा है बिलीव रहता है चाहे सामने वाला हमारा नंबर ब्लॉक कर दे <laughs> है ना <laughs> हमसे मिलना ना जाए फिर भी हम मिलते हैं है ना उसके उसकी गालियां भी सुनते हैं फिर भी उसके घर जाते हैं कैसे भाई हमारी टीम में जुड़े और हमारे साथ ये बिजनेस आगे बढ़ाए ये सोचते हैं तो यूट्यूब जब आपने देखा

तो उस वक्त जूम वोम ज़्यादा यूज़ करते नहीं थे इनफैक्ट पता भी नहीं था हमें भी नहीं पता था तो मैं यूट्यूब यूट्यूब देखता था लोगों के तो मुझे सोचा एक मैंने सोचा एक काम करता हूँ मुझे प्रेजेंटेशन देना है मुंबई के लोगों को समझाना है तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ तो मैंने कहा अगर हमारे पास प्रेजेंटेशन फ़ाइल होती थी पहले तो प्रेजेंट ऐसे कैमरा रख करके मैंने प्रेजेंट बता रहा हूँ ये ऐसे ऐसे अपनी कंपनी के बारे में जैसे बताते हैं पूरा बताते 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 सामने इधर दूसरा फ़ोन मैंने रखा हुआ कैलकुलेटर हमें कैलकुलेशन दिखाना होता है कि इतना पैसा बनता है इतना पैसा ही होता है तो आधे घंटे का वो मैंने वीडियो शूट करा फर्स्ट वीडियो अब मुझे पता नहीं मैंने तो बस उस बंदे के लिए बनाया था अपनी दो चार लोगों की टीम थी मेरी मुंबई में उनको लिए बनाया था वो वीडियो पहले वीडियो चलने लग गई आई डोंट नो बाय द ऑफ गॉड लोग साइड ढूंढ रहे थे बस इस तरीके से पहला चला गया तो मुझे लगा मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ गया।, गया फिर मैंने कहा चलो और करते हैं और करते हैं और करते हैं फिर और करते 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 कहानी बनती चली गई कोई इंटेंशन नहीं था यूट्यूब पे आने का इन्फ्लुएंसर बनने का कुछ भी नहीं था ये सब अपने आप हुआ है मतलब कुछ अगर मैं इसको और डिटेल में समझू जो मैं एज ए यूट्यूब पे लोगों को बताता हूँ तो अल्टीमेटली आपका निश पहले से क्लियर था हाँ. कि यार मतलब निश देखिए मैं हमेशा कहता हूँ चाहे वो यूट्यूब हो हाँ. चाहे वो लाइफ का साइंस सबका एक जैसा ही है हाँ. अगर प्रोसेस में जाएं चाहे आप दुकान खोल रहे हो अभी हमने डिस्कस किया हाँ. कि आपको शॉप खोलनी है तो किस किसी खोली है, आपको समझना पड़ेगा पहले तो वैसे ही आपको पहले से क्लियर था कि भाई जो धंधा मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ अल्टीमेटली मैं इसी को ऑनलाइन प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ करेक्ट है तो आपने वो चीज़ दी और उस टाइप की जो ऑडियंस थी उन्होंने आपको देखना शुरू कर दिया तो इसीलिए जो लोग अगर इंटरनेट पे सोच रहे हैं मैं मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो पब्लिक स्पीकिंग पे वीडियोस बनाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या बनाया जाए तो अभी मत सोचिए कि क्या बनाया जाए या क्या चल रहा है आपके अंदर वो क्या ऑलरेडी स्किल्स है वो डालिए और अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है आप फ्रेशर हैं तो फिर इस स्किल को अडॉप्ट करिए और वो चीज बनाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है हमारे पास जो भी स्किल है वैसी स्किल वाले लोग हजारों लाखों तो होंगे ही ना राइट तो बस हमारे ऑडियंस वो है

दो दिन तीन दिन का वर्कशॉप कर रहा हूँ था बहुत सेमिनार किया है फिजिकल सेमिनार की अगर बात करो तो मुझे मेरा साढ़े सात साल आठ साल का नेटवर्क मार्केटिंग करियर ने हो चुका है अब तक और उसमें फिजिकल सेमिनार सौ डेढ़ से सौ से ज्यादा ही होंगे वेरी नाइस सर सौ डेढ़ सौ वेबिनार की बात करो तो हजार से ज्यादा हजार से भी हाँ। ज्यादा तो ये इसका अपना एक निचोड़ है इनके पास तो ऑब्वियसली जब पहली बार इंसान वीडियो डालेगा तो वो चलना ही है तो मैं यही बताना चाह रहा था उन लोगों की जो सोचे कि अच्छा जैसे आपने कहा कि अच्छा मतलब गॉड ग्रेस चल गई वीडियो तो लोग सोचेंगे हम भी गॉड ग्रेस कुछ डाल दे और हमारी भी चल जाएगी तो दस बीस लोग होंगे सुनने वाले तो वो गलत सोच सोच रहे हैं देखिए सब कुछ तुक्के से नहीं चलता है इनके पास वो निचोड़ है इन्होंने ऑफलाइन में सौ से ज्यादा यू नो आपने तीन तीन वर्कशॉप वाले जो लोग बैठते हैं वहाँ एक टेंटेटिव दो दो तीन दिन तक सेमिनार्स लिए इन्होंने तो उसको वहां से भी लीजिए कि वो वो सब चीजें एक बार में यूट्यूब पे आई और डीजे डाली गई और मेरे पास स्ट्रगल एक्सपीरियंस बहुत है मतलब जो स्ट्रगल जैसे मैं एक स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ तो एक टूथपेस्ट को डिलीवर करने के लिए मैं गाजियाबाद से गुड़गांव यानी कि गाजियाबाद से गुड़गांव मेरे घर का डिस्टेंस तक सत्तर किलोमीटर पड़ता था उस वक्त मेरे पास व्हाइट कलर की एक्टिवा हुआ करती थी कार नहीं था मेरे पास तो गाजियाबाद से गुड़गांव एक रुपए का एक टूथपेस्ट डिलीवर करने के लिए मैं जाता हूँ और कई बार गया हूँ और गया तो सामने वाले से जब पैसे लेने हैं एक सौ तीस रुपये वो कहता है सैलरी आएगी तब देगी <laughs> तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, कई बार हमने किया है, मैं तक गया हूं, सो सो का जिसकी वजह से ये हुआ कि YouTube पे बताना मुश्किल था नहीं <laughs> अब जितने ज्यादा स्ट्रगल से होके गुजरते उतना रहता तो अंदर उतना पावर भरा होता है <laughs> स्ट्रगल लाइफ में नहीं है तो आदमी कमजोरी रहता है तो मैं वही उतना मजबूत तो मैं वही बताना चाहता कि लोग ये ना समझे कि यार हमें भी ऐसे ही हो जाएगा आ, उसके पीछे एक मेहनत होती है जो आपको शायद इंस्टेंट नहीं दिखती क्योंकि ये तीस मिनट की वीडियो में आप समा पूरा नहीं ले पाएंगे लेकिन अगर आप उसे समझना चाहेंगे तो आप डेफ जान पाएंगे तो सर नेक्स्ट सवाल और भी है मेरा थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल चीज़ जाना चाहता हूँ जिसमें लोगों का इंटरेस्ट आता है कि सर जब इतनी सारी चीज़ें आपने करी हैं ऑब्वियसली तो एक यूट्यूब चैनल के थ्रू अभी आप कितना पैसा अर्न कर पा रहे हैं ओम गॉड अभी तो पिछले काफ़ी दो ढाई सालों से मैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ लेकिन यूट्यूब एट से मुझे लगता है कितना कमा लिया होगा कभी कैलकुलेट नहीं करा बट बिकॉज ऑफ यूट्यूब हमने बहुत सारे वैल्यू एड ऑन करे थ्रू कोर्सेज थ्रू वेबिनार्स तो उसके जरिए मुझे लगता है कि दो तीन करोड़ तो हो गए होंगे नहीं ज्यादा ही अल्टीमेटली nice. यहाँ पे YouTube पे अगर अगर आप देखते होंगे कि लाइक YouTube से क्या पैसे बनाए जा सकते हैं तो आपके अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो यस या नो

मैं, sure आप इससे बड़ा कर रहे होंगे लाइफ में के अलावा चीजें होती ढाई uh, hmm. तीन साल पहले जो हमारा चैनल हुआ करता था इनफैक्ट hmm. उस टाइम पे कई वीडियोस ऐसे गए हैं जो मैंने सुबह नौ दस बजे डाला और शाम के सात आठ बजे तक वो पचास हजार व्यूज क्रॉस कर जाता था डे वन में और सब्सक्राइबर कितने लाख लाख सब्सक्राइबर की, की वजह से जो मैंने करा, आपकी रैंकिंग डाउन कर देता है क्योंकि आप इनकसिस्टेंट नहीं हो तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई वैल्यू नहीं देगा अगर आप कोई कंसिस्टेंट काम नहीं करो तो यूट्यूब भी शायद वही स्ट्रेटी फॉलो करता है तो तो डाउन करता ही करता है सो so, अब मुझे आई नीड टू स्ट्रगल लाइक फ्रेशर तो अगर आप यूट्यूब पे हैं कुछ भी बेच रहे हैं कुछ भी खरीद रहे हैं कुछ भी सिखा रहे हैं वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट अदरवाइज यूट्यूब उखाड़ के बाहर फेंक देगा राइट yeah, right. मतलब आपको आ, जो आपने बात कही कि यार यूट्यूब उसकी रैंकिंग गिरा देता है और सारी चीज़ें आप इसको एक लेमैन की भाषा में अगर हम समझें तो सर अगर हम काम नहीं कर रहे तो कोई और काम कर रहा है एक्जैक्टली exactly, राइट हाँ. right. तो ऑब्वियसली जब ये मैं एक हमेशा एक लाइन कहता हूँ आप कभी देंगे कि अगर जब तुम सो रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई जाग रहा होगा और जिस दिन तुम उससे मिलोगे वो जीत जाएगा तो हम नहीं कर रहे थे तो वो हमारे लिए काम हम कर रहा है दूसरा वाला तो सेम ऐसे ही है कि आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा अपने चैनल्स पर और उसी से करेंगे आई होप सर ने भी वो वो चीज़ सीखी होगी और अब बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो वो दोबारा अपने चैनल्स पर कंटिन्यू करेंगे अब अब क्या सोच रहे हैं सर यूट्यूब को दोबारा जैसे आपने कहा कि फ्रेशर की तरह स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन आपको लगता है कि अब मैं

Uh, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के मिला है फिर आप उसकी वैल्यू नहीं बोलते और मुझे लगता है कि मेरे साथ वो चीज हो चुका है कहाँ किस लेवल पे जाके देखा मैंने और अभी डाउन है बिकॉज मैं तो उस चीज को नहीं बोलने वाला वेरी नाइस सर तो अभी जैसे अभी आप यूट्यूब पे लाइक वीडियोस बनाते हैं तो जब आप यूट्यूब पे आए होंगे तो आपने पहली बार किसी अपने प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में क्रिएटर्स को देखा होगा कि हाँ यार ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए ऐसा वो कौन वो वन था जिसने आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं लाने की कोशिश करी एक यूट्यूब चैनल लाने के लिए तो नहीं कह सकता लेकिन यूट्यूब पर जब मैं कंसिस्टेंट होने लग गया ना वीडियो वीडियो बनाने लग गया इनफैक्ट मैंने शुरुआत ऐसे करा था था कि शुरुआत तो मैंने वो मोबाइल का कैमरा दिखा कर प्रेजेंटेशन करता था। फिर जब फेस दिखाने की बारी आई तो मुझे पता नहीं था ट्राईपोर्ट जैसा भी कुछ होता है <laughs> तो एक टेबल के ऊपर दूसरा टेबल लगा करके पीछे कटोरा लगा करके उसके ऊपर मोबाइल रख करके वहां से वीडियो बनाना शुरू किया था फिर आपके वीडियो और मुझे याद है उस वक्त बहुत मैं देखता था उनके माय स्मार्ट सपोर्ट धर्मेंद्र जी हैं जी जी बिहार से तो so, उनको पता नहीं होगा आई डोंट मैं उनका वीडियो देखता हूँ इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए जी उनके वीडियो से मैंने बहुत सीखा है आपके वीडियो से मैंने बहुत सीखा है और भी कुछ आ, शायद उस वक्त मैं नाम लेता टेक्निकल योगी हुँ हुँ हु. तो उनके वीडियो से बहुत सीखा कि ट्राईपोड कुछ क्या होता है माइक कुछ होता है कुछ भी आएगी तो होता है एग्जिस्ट करते हैं पता ही नहीं था तो इन लोगों ने सिखाया है बहुत आप जैसे लोगों ने वीडियो के माध्यम से सिखाया है बहुत थैंक यू सो मच और इस मैसेज के थ्रू जो आपने कहा है अगर वो वीडियो नहीं भी देखे तो मैं उनको भेज दूंगा हाँ। और वो देख के उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स भी हमें देखते हैं और हमसे सीख रहे हैं कुछ चीज़ें जो हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं सर सो उसके लिए थैंक यू सो मच और सर ऑन द गोइंग सब कुछ आई थिंक लोगों को समझ आ गया है कि क्या अब लाइक चैनल्स पे नेटवर्क मार्केटिंग में है तो किस तरीके से काम करना चाहिए अगर यूट्यूब पे आए हैं है, तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए और आपने सबसे लास्ट बहुत अच्छी लाइन कही कि एटलीस्ट लाइफ में दूसरों की गलती से सीखता है इंसान तो बार बार गलती कर सकता है हाँ। लेकिन खुद के ठोकरे लगे हैं तो उस, उस, उसमें गलती करने के बहुत कम चांसेस होंगे हाँ। दोबारा सो ये आपने बहुत अच्छी बात कही सो सर जाते जाते आप लोगों को एक क्या अपनी लाइफ की लेसन्स दे सकते हैं जो वो गलती ना करे जो आपने अपने जीवन में करी है अपने प्रोफेशनल करियर में uh, प्रोफेशनल करियर में जो गलती हमने करी है गलती हमने क्या करी गलती तो बहुत सारी करते हैं एक ऐसा लेसन जो दें कि वो ना करें अगर उनको करियर में आगे जाना है तो इनकन्सिस्टेंसी ये जहर है right. बड़ी सक्सेस अगर पानी है ना तो जहर है सबसे बड़ा

इस, अगर इनकसिस्टेंसी है वो जहर है आपके सक्सेस का बर्बाद कर देगा वो थैंक यू सो मच सर आपने इतना कुछ कहा और मुझे बहुत खुशी है कि आप चैनल पे आए और आपने इतनी सारी डिटेल में हमारे यूजर्स को वैल्यूबल चीजें दी थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू